रुपए कोटि की पुरवनी मांगे राज्य सरकार ने सामने रखी। राज्य में बारिश से किसानों का भारी नुकसान हुआ, किसानों के घर टूट गए। फिर भी किसानों के स्थिति के बारे में सरकार कुछ बोल नहीं रही है। और राज्य में मुंबई के ट्रैफिक पुलिस को आतंकवादियों के व्हाट्सएप मैसेजेस आते, ऐसे में महाराष्ट्र की सुरक्षा में ध्यान न देने का काम भाजपा सरकार कर रही है, ऐसी प्रतिक्रिया कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने दी है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के एडी भाजपा सरकार ने जो पुरानी बजट रखा उसमें किसानों के बारे में एक भी पैसे का प्रयोजन नहीं किया। महाराष्ट्र में ओलावृष्टि की वजह से बड़े पैमाने में किसानों का नुकसान हो चुका है, बड़े पैमाने में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल वर्धा डिस्ट्रिक्ट के एक युवा किसान ने बिजली की तार अपने मुंह में डालकर खुद को सुसाइड किया। इतनी भयावह मौत किसान यहाँ पर कर रहा है और ऐसे समय में राज्य की सरकार अपनी ही मस्ती में, अपनी ही दादागिरी में यहाँ चल रही है। एक दूसरा, आपने देखा होगा कि मुंबई के ट्रैफिक पुलिस को आतंकवादियों का व्हाट्सएप आ रहा है, मुंबई पे हमला करने की बात की जा रही है। थोड़े दो दिन पहले ही आपने देखा होगा कि रायगढ़ के समंदर में AK-47 और स्फोटकें वहाँ पर मिली और वो कहाँ गए कि वो नाव गलती से इधर आई है। तो क्या ये सब चीज़ों को देखकर अब महाराष्ट्र और सुरक्षित नहीं है? 26/11 की यादें आज भी जिंदा है और ऐसे समय में राज्य की ईडी की सरकार, भाजपा प्रणित सरकार, जिस तरह से राज्य की जनता पर अन्याय कर रही है उसको पूरा घेर कर महाराष्ट्र की जनता को न्याय देने की भूमिका महाविकास आघाड़ी करेगी, उसकी मीटिंग है।